कटाकट आप बनाएंगी, जी आप कॉल बिल्कुल भी करेंगी, बिल्कुल आप भी कॉल करोगे और हम भी कॉल करेंगे। इस वक्त हमारे पास एक एंट्री मौजूद है और ये एंट्री हमें ज़ुबैर ने दी है। और ज़ुबैर कहते हैं कि ज़ुबैर का ताल्लुक बेसिकली ब्रांड से है और वहाँ की इंतज़ामिया से उनका ताल्लुक है, वो वहाँ पे काफ़ी पुराने हैं। उनके दोस्त हैं जिन्होंने लास्ट वीक परफॉर्म किया था, कव्वाल हैं, वो कव्वाली परफॉर्म की थी। तो कह रहे हैं यार इन्होंने लास्ट वीक परफॉर्म किया था यहाँ पे ग्रैंड में, बहुत लोगों ने इन्जॉय किया और फैमिलीज आई हुई थी, कराची ग्रैंड की बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे आप इनका कटाकट बनाएं। सो अब हम एक जिनको कॉल कर रहे हैं ये प्रोफेशनल कव्वाल हैं और अब इनका कटाकट बनेगा, लेट्स सी कैसा बनता है। इंग्रेडिएंट्स पास हैं, इंग्रेडिएंट्स में है क्या, नंबर है और रिसेंट प्लॉट है, बाकी हम मसाले डाल के इसको अच्छा करेंगे और अल्लाह करे मसाले अच्छे हों। हेलो हेलो जी, हमजा भाई बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। हमजा भाई क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं? खैरियत से हैं। हमजा भाई मैं सलमान बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं पहचाना नहीं। हमजा भाई आप मुझे जानते नहीं हो, मैं आपका फ़ैन हूँ। अच्छा, कैसे मिजाज है भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी परफॉर्मेंस को इंजॉय करता हूँ, आपका फ़ैन हूँ, फेसबुक पे यूट्यूब पे हर जगह कमेंट वगैरह भी करता हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया। देसी किलर के नाम से मेरी आईडी है तो वो उस पर मैं आपको कमेंट भी करता हूँ यूट्यूब पे, आपकी जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस होती है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आप बिजी तो नहीं हैं, आप बात कर सकते हैं 2 मिनट? जी 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 बताएं। अच्छा हमजा भाई, आपकी वो लास्ट वीक परफॉर्मेंस थी ना उधर ग्रैंड पे इतवार को? जी जी जी। सर क्या बात है सर, क्या बात है सर, मेरी वाइफ, मैं, मेरे अब्बू सब आए हुए थे, हम सब ने एंजॉय किया। हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इसी तरीके से दुआओं में याद रखें और इसी तरीके से मोहब्बत में याद रखें। आपकी दोबारा कोई परफॉर्मेंस है? यार अभी एक मेरी परफॉर्मेंस हो रही है 11 जुलाई को, लेकिन वो कवाली की परफॉर्मेंस नहीं है, वो फ्यूजन की परफॉर्मेंस है। फ्यूजन गिटार विटार के साथ। अच्छा मिक्स वो जो होता है, मिक्स हो जाता है सब, नया म्यूजिक और पुराना मिक्स। अच्छा हमजा भाई मैंने जो आपको असल में कॉल किया ना वो उसकी वजह है, एक छोटी सी बात करनी है, आप बुरा ना मनाओ तो। बताएं बताएं। वो हमजा भाई आपकी जो परफॉर्मेंस थी ना इतवार वाली, वो कमाल थी, वो बहुत अच्छी थी और मैंने सर जोश में आके ना मैंने पैसा उड़ा दिया था। अच्छा हाँ, 100-100 के 100-100 के तकरीबन 2,500 रुपये मैंने बार बार जाके मैं दे रहा था, मैंने पैसे तो उड़ाए। मतलब वो जाहिर सी बात है खुशी होती है, बंदा नज़र देता है कि आपने परफॉर्म ही ऐसा किया माशाल्लाह। तो मुझे हमजा भाई वो अब मुझे बाद में ना अभी थोड़ा एहसास हुआ बाद में कि वो तो मेरे खर्चे के पैसे थे, वो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि यार वो तो सब बट बुट गए, मेरे तो कुछ मैं तो उसमें कुछ लेता भी नहीं, सारे म्यूजिशियंस के होते हैं भाई। नहीं तो वो मैंने तो दिए थे ना, आपकी शक्ल पे दिए थे मैंने तो। आप नहीं, तब तो वो बट बुट गए। बट बुट गए कहाँ बट गए, मैंने मेहनत से कमाए थे भाई, बहुत हालात टाइट। अच्छा। चल रहा है, हाथ टाइट चल रहा है मेरा। अच्छा ये बताओ तुम कौन से शो पे बैठे हो? पहले कौन से शो पे, कौन सा प्रैंक कर रहे हो मेरे भाई, मुझे भाई बताओ। कोई प्रैंक नहीं कर रहा, मेरे वो पैसे थे, मैं आपसे वो इसलिए फोन किया है, वो पैसे अगर मिल जाते वापस, 2,500 थे। हाँ हाँ मिल जाएंगे यार, वो मैं सूद समेत आपको वापस दूंगा, बताओ कि कितना सूद बनता है उसका। सूद तो लेते नहीं, हराम है, हम तो अपने पैसे लेंगे जो हमने। अच्छा फिर थे। हलाल वाला बताओ। 2,500 बस, ठीक है, मुझे आप अपनी डिटेल भेजो। हाँ। मैं आपको वापस करता हूँ, ठीक है? आप इतने अच्छे हैं, अभी दे देंगे पैसे? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं पहचान गया आप कुछ ना कुछ ये प्रैंक कर रहे हैं और गालिबन आप किसी शो पे इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से और बोल एंटरटेनमेंट पे इस वक्त तुम तो हो और मुझे पता चला था तुमने लास्ट वीक परफॉर्म किया था वहाँ पे, तो मैंने कहा यार चलो हमजा के साथ प्रैंक करते हैं। मैं पहचान गया था। जब तुमने कहा ना बट बुट गए के बाद एक पॉज आया था तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं पहले मैं अपने भाई को मैंने बुला लिया था, उसको मैं बताने वाला था कि यार ये क्या केस हो गया, मुझे पता है बोल पे शो हो रहा है और ये अंदाजा था मुझे कि कुछ इस तरीके से कुछ हो रहा है। कैसे हैं आप, ठीक है? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक यार, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। थैंक यू। आप मेरे शो में भी जरूर आइएगा, इस शो में जरूर आए, साथ बैठेंगे और गाएंगे। हाजिर होता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्लान करते हैं। डन हो गया हमजा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
यार अच्छा बना, पकड़ लिया उसने। हाँ लेकिन देखो वो पता है उसने बट बुट गए के बाद जो पॉज दिया था ना उसके बाद उसको लगा ये कोई प्रैंक। लेकिन यार स्वीट आदमी, आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत, आज मीठा कटाकट, कभी हलवे की तरह कटाकट, कोई गुस्से वाला बंदा नहीं मिला, कोई गुस्से वाला मिला ही नहीं हमें आज, कोई गालम गलोच है ही नहीं।